सब्सक्राइब कीजिए फंटास्टिक प्रेम को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फंटास्टिक प्रेम में। दोस्तों, क्या आज मैं आप स्मार्ट दिख रहा हूं? नहीं, क्या आप स्मार्ट है? ये कैसा सवाल है ना? जी हाँ दोस्तों, आपने स्मार्टफोन तो लिया है तो आप सोच रहे होंगे मैंने तो स्मार्टफोन ले लिया है और मैं भी स्मार्ट नहीं हूँ या फिर स्मार्ट हूँ, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आज का हमारे कलर ओएस का फीचर है स्मार्ट साइड बार। हाँ दोस्तों, आपने स्मार्टफोन तो ले लिया लेकिन आप किस तरह से उसे स्मार्टनेस की तरह यूज कर सकते हैं आपको पता है कि नहीं? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप आज ओप्पो के कलर ओएस का जो एक फीचर है स्मार्ट साइड बार कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल बता दूं। दोस्तों, आपने स्मार्टफोन तो ले लिया लेकिन आप किस तरह से उसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, ओप्पो के कलर ओएस में या फिर बहुत से ऐसे एंड्रॉइड मोबाइल में आपको एक साइड में हल्की सी पट्टी दिखाई देती है। आपको समझ में नहीं आता वो पट्टी किस चीज का होती है। कभी कभी लगता है कि हाँ, मेरे डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ सेटिंग चालू कर दी मैंने गलती से, जो पट्टी आ रही साइड में। एक्चुअली में वो पट्टी नहीं होती है, वो होता है स्मार्ट साइड बार। आप उसे हल्का सा बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसमें आपको बहुत से एप्लीकेशन दिखाई देंगे। हाँ, उसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए आपके उसके आपके हिसाब से रख सकते हैं। अब स्मार्ट साइड बार किस काम में आता है? जब भी आप किसी मेन्यू में होते हैं, कोई फंक्शन में होते हैं या फिर कोई फोटो में होते हैं, गैलरी में होते हैं, व्हाट्सएप में होते हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टेंट चालू करना होता है इमरजेंसी में, तो क्या होता है कि उसके लिए आपको पूरा बैग आना पड़ता है या फिर होम बटन दबा के आपको वो एप्लीकेशन चालू करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ आप कौन कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, कैमरा हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये चीज आप स्मार्ट साइड बार में रख सकते हैं और कभी भी तुरंत आपको जब भी लगे कि मुझे ये एप्लीकेशन चालू करना है तो आपको आपका कोई भी एप्लीकेशन बंद करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली जस्ट आप हल्का सा जो साइड बार दिया हुआ है उसको खींचिए और वहां से जो एप्लीकेशन आपको चालू करना है वो क्लिक करके अपना एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और स्मार्ट साइड बार में आपको एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, जैसे कि आपने स्मार्ट साइड बार में आपने व्हाट्सएप फीड करके रखा हुआ है और आप कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं और आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, तो उसके लिए आपको पूरा जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्मार्ट साइड बार को खींचिए, वहां पे आपका व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, साइड में आपका हल्का सा एक विंडो बन जाएगा व्हाट्सएप का, उसमें आप स्मार्टली टेक्स्ट का रिप्लाई दीजिए और वापस से उसे क्लोज कर दीजिए, तो आपका मूवी भी चलता रहेगा, गेम भी चलता रहेगा या फिर आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी चलता रहेगा और आपका व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी हो जाएगा। इसी तरह आप बहुत से सारे स्मार्ट काम कर सकते हैं स्मार्ट साइड बार के थ्रू। तो दोस्तों, आप स्मार्ट साइड बार कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलिए देखते हैं वीडियो। आपके फोन के मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाने के बाद सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्वीनियंस टूल्स। कन्वीनियंस टूल्स में जाना है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार में आपको क्लिक करना है, ये क्लिक करने के बाद इसमें अंदर जाना है तो यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्मार्ट साइड बार को हम ऑन कर देते हैं इस पर क्लिक करके। ये देखिए, इसके हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इस पर ट्रांसपेरेंसी दी हुई है कि कितना आपको ट्रांसपेरेंट रखना है इस बार को। ऊपर देखिए, आपको राइट साइड में देखिए बार दिख रहा होगा, ये है आपका स्मार्ट साइड बार। और क्या दिया हुआ इसके अंदर, अगर आपको फुल स्क्रीन में जो भी आप ऐप कर यूज़ करते हैं उसमें आपको अगर ये हाइड चाहिए तो इस पर आप टिक कर सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे रहने देंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हमने स्मार्ट साइड बार को थोड़ा सा खींच लिया है बाहर की तरफ, तो ये देखो ऑप्शन दिया हुआ कि आप पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, पोजीशन जहाँ चाहिए वहाँ पे उसको रख सकते हैं। ये साइड बार को ओपन किया हमने, अब यहाँ पे आप कौन कौन से एप्लीकेशन या कौन कौन से टूल्स ऐड करना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि अभी साइड में आपको दिया ऊपर टॉप में ऐप, तो ऐप में हमने व्हाट्सएप डाल दिया, कैलकुलेटर डाल दिया, कैमरा डाल दिया, या जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए कि आपको इंस्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसमें आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने गूगल लेंस रख दिया, जो भी आपको रिक्वायर्ड लगे एप्लीकेशन आप इसमें स्मार्ट साइड बार में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेन्यू में हूँ और मुझे चालू करना है व्हाट्सअप, जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा, ये देखो मेरा व्हाट्सअप एक छोटे से बॉक्स में ओपन हो गया, जिसे हम फ्लोटिंग विंडोज़ के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार स्मार्ट साइड बार ओपन करेंगे, अब हम चालू करेंगे गूगल लेंस, तो ये गूगल लेंस भी अपना चालू हो गया एकदम स्मार्ट तरीके से। अब हम जाएंगे मेन मेन्यू में, उसके बाद हम चालू करेंगे व्हाट्सएप को। जैसे कि हम व्हाट्सएप के फंक्शन में हैं और हमें और कोई एप्लीकेशन साथ में इंस्टेंट यूज़ करना है, तो इसमें आपको ये इसके अलावा और भी आपको एप्लीकेशन इसमें ऐड करना है, तो आप इसमें आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे प्लस का बटन दिया हुआ है, इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो टूल्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट हो गया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया है, स्क्रीन ट्रांसलेट हो गया है, तो ये सब एप्लीकेशन इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड रहे उसके हिसाब से। तो ये हमने ट्रांसलेट भी ओपन कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप स्मार्ट साइड बार का इजीली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको स्मार्ट साइड बार कैसा लगा, है ना स्मार्ट? तो शायद ये वीडियो देख के आप भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गए रहेंगे, तो आपके फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने आप कभी कभी ऐसी स्मार्टनेस दिखा सकते हैं स्मार्ट साइड बार के थ्रू। तो दोस्तों स्मार्ट साइड बार कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप इस चैनल पे गलती से देखते देखते आ गए हैं और इस चैनल पे आप न्यू हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बाजू में बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि इसी तरह के कुछ अच्छे खासे वीडियो आपको भी देखने मिल जाए टाइम टू टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक यू।